मध्य प्रदेश के गुना जिले में पुरैनी पंचायत में एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि सरपंच भूरी भील द्वारा बताया गया कि पिछले 7 वर्ष से अभी तक सरपंच है, लेकिन उस दिन से लेकर अभी तक उसके पास ना तो सचिव आया और ना ही रोजगार सहायक। मेरे जाली साइन कर दोनों अभी तक पैसे निकालते रहे हैं और मुझे पता भी नहीं चला। जब इस बात की जानकारी लगी तब वो रोजगार माखन सिंह यादव के पास गई तो उसके साथ गाली गलौज कर पति और सरपंच को मारने की धमकी दी और फर्जी साइन कर पैसे लगातार निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरपंच होने के बाद ना तो उनके पास शौचालय है और ना ही घर में काम, सिर्फ नाम की ही सरपंच हूँ। पेप्टेक टाइम की टीम ने जब इस मामले का सच जानने के लिए पुरैनी पंचायत पहुंची तब ग्रामीणों से सरपंच भूरी भील के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने भी बताया कि वो 7 वर्ष से झोपड़ी में रह रही है और रोजगार सचिव और सहायक उनकी बात नहीं सुनते हैं। अगर भूरी बाई सरपंच अपना हक मांगने जाती है तो उसको मारने की धमकी देकर भगा दिया जाता है। सात साल से सरपंच कर रहा है, मेरे पास ना दस्तखत करा है ना मेरे से कुछ बताइए। 7 साल से मैंने ना साइन करी ना हमको कुछ नहीं मिला, हमको ना कुछ पता है, ना पता नहीं हमको। आपका मतलब है कि रोजगार ने आपके पर्ची साइन करवा के पैसे निकाल लिए? हाँ, पैसे निकाल लिए बिन्ने। उसके न्याय के लिए कब से निकालता आ रहा है वो? 7 साल से। 7 साल से। अच्छा, एक बार इसका पति गया, उससे जगह तोरे काट के फेंक दूंगा, मेरी शिकायत की तो। अच्छा, इसका पति गया था जबकि सरपंच है। हाँ, सरपंच ने डरा था, धमका था, इसके पसी से जगह तो जो काट के फेंक दूंगा, मेरी शिकायत की तो। अच्छा, गरीब आदमी बेबी हो गया है। एक बार सीओ का गया था जी। अच्छा, दबाया जाता है? दबाया जाता है। सीओ का गया, इसके पति से जे गई तुझे काट के फेंक दूंगा, मेरी शिकायत की। जो सरपंच के लाभ मिलते हैं वो लाभ इनको नहीं मिल, कुछ भी नहीं मिला उसकी हालत। आज तक मानदेय तक नहीं दिया, कुछ नहीं।